बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एज वी नो दैट के एक मिनट में 300 घंटे की वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे अपलोड की जाती हैं, तो क्या सारी वीडियोस वायरल जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके पीछे एक मैथडोलॉजी होती है कि आप अपनी वीडियो को अपलोड किस तरह करते हैं। तो वो एग्जैक्ट मैथडोलॉजी वही लोग अपनाते हैं जिनकी वीडियो जो है वो ट्रेंड में जाती हैं, वायरल जाते हैं। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगा ऐसे स्टेप्स, ऐसे पॉइंट जिनको मद्देनजर रखते हुए आप एक प्रॉपर तरीके से अपनी वीडियो को अपलोड किस तरह करते हैं। चलिए वो देखते हैं। और कोई भी स्टेप, वीडियो को कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। अगर आप कोई पार्ट मिस करेंगे तो ऐसे ही होगा कि आप कोई पॉइंट मिस कर रहे हैं कि अपनी वीडियो को प्रॉपरली किस तरह अपलोड करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बात आप ध्यान से अपने माइंड में रखना है कि कभी भी अपनी वीडियोस जो है वो यूट्यूब ऐप से अपलोड ना किया करें, क्योंकि बहुत से ऑप्शन में वहाँ पे देखने को नहीं मिलते। तो आप लोगों ने गूगल क्रोम में आना है, वहाँ पे टाइप करना है YT स्टूडियोज़, के बाद साइन इन कर लें। साइन इन करने के बाद आपका जो चैनल है वो निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, ऊपर टॉप पर देखें तो अपलोड वीडियो, यहाँ पर अपनी कोई भी जो वीडियो है वो आप सेलेक्ट करें। यहाँ पर सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर अपनी वीडियो जो है वो आप गैलरी से चूज़ करेंगे। हम बात करें अपने मोबाइल से आप किस तरह अपने जो वीडियोज़ हैं वो कैसे अपलोड कर सकते हैं अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे मैं अपनी कोई भी फाइल जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, वीडियोस के सेक्शन में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जी एक वीडियो जो है वो चूज़ कर रहा हूँ, ये वाली। तो जैसे मैंने इस वीडियो को चूज़ किया है तो ये अब अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही अपलोड होगी मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने मेंशन करने अपनी वीडियोज़ में, तो उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। तो यहाँ पे जो मैंने अपना जो इस वीडियो का टाइटल है वो रखा है जी हाउ टू अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब। तो इसके बाद आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मिनिमम आप लोगों ने 500 की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। और उस 500 के दौरान आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये वाला कीवर्ड जो है वो लिखना है, ये जो हमारा वीडियो का टाइटल है, और उसे रीफ्रेज करके लिखते रहें, यानी उसके सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर दें, उसे फिर लिख दें, और एक उस पैराग्राफ की जो सेंस है वो भी बन रही हो। उसके बाद हमारा यहाँ पे तीसरा पार्ट आ जाता है थंबनेल का। यहाँ पे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपने अपना देना है थंबनेल जो आप लोगों ने बनाया, और थंबनेल जो है वो 2 MB से कम हो या 2 MB का हो। उसके बाद अपनी एक प्लेलिस्ट, अगर आप डिफरेंट टाइप्स की वीडियो बनाते हैं तो अपनी प्लेलिस्ट को यहाँ पे ऐड करेंगे, उस प्लेलिस्ट में स्पेसिफिक वीडियो को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप हमेशा अपनी जो है, अगर आप किड्स के रिलेटेड आपका चैनल नहीं है तो यहाँ पर नो इट्स नॉट फॉर किड्स को चूज़ करेंगे। नीचे आप देखें कि ये वाले ऑप्शन हमको यूट्यूब ऐप पर देखने को नहीं मिलते, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर शो मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये देखें जी शो मोर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन आ जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपके टैग्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे टैग्स में आप लोगों ने अपने चैनल का नाम देना है और वो कीवर्ड देना है। तो मैं अपने चैनल का नाम देता हूँ यहाँ पे देसी टेक न्यूज़, और कॉमा डाल देना है। इस तरह ये सेपरेट होता जाएगा, और इस तरह आप लोगों ने सारे जो हैं वो यहाँ पे जो टैग्स हैं वो डालने हैं। और टैग्स जनरेट करने के लिए आप rapidtags.com का भी सहारा ले सकते हैं, और अच्छे टैग्स वो जनरेट करके देता है। उसके बाद आपने वीडियो लैंग्वेज आप लोगों ने चूज़ करने कि आपकी जो वीडियो में लैंग्वेज है वो कौन सी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, वो आप चूज़ करेंगे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन बहुत से भाई जो हैं वो छोड़ देते हैं, ये कैप्शन का, कैप्शन सर्टिफिकेशन का। यहाँ पे आप इसको नन पे नहीं, आप इसको दिस कंटेंट हैज़ नेवर पहले ऑप्शन को चूज़ करेंगे आप, ये मैंने कर दिया है। उसके बाद रिकॉर्डिंग डेट आ जाती है कि आप लोगों ने कब अपनी जो रिकॉर्डिंग है वो की थी, तो वहाँ पे आप अपनी जो मेंशन डेट है जिस दिन आप रिकॉर्डिंग की थी वो आप चूज़ करेंगे। उसके बाद अपनी वीडियो लोकेशन, वीडियो लोकेशन को भी आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने वीडियो कहाँ पर बनाई, फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान में बनाई है, इंडिया में बनाई है, बांग्लादेश में बनाई है, या USA में बनाई है, तो वो वाली आप जो है वो लोकेशन चूज़ करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे कैटेगरी, कैटेगरी आपकी ऑटोमेटिक में भी सिलेक्ट हो तो आप अपने यहाँ पे कैटेगरी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके कैटेगरी को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप कमेंट जो हैं वो आप मैनेज कर सकते हैं, किस तरह के कमेंट आपको चाहिए और किस तरह के नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखें तो हमारे पास पहला डिटेल का ऑप्शन यहाँ पे पूरा फिल हो चुका है। उसके बाद मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आता है, मोनेटाइजेशन को आप यहाँ पे एनेबल कर दें, यहाँ पे ये ऑफ होता है तो इसको आप ऑन कर दें। उसके बाद अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ऐड सूटेबिलिटी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे नन ऑफ दीज का ऑप्शन आप देख सकते हैं। आपने एक एक को मैनुअली जो है वो सिलेक्ट नहीं करना, आपने नन ऑफ दीज के ऑप्शन पे क्लिक करके और ऊपर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबमिट रेटिंग के ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आगे ऑप्शन देख सकते हैं वीडियो एलिमेंट्स का, ये देखें जी
वीडियो एलिमेंट्स के ऑप्शन को जब चूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने आई बटन में एक वीडियो अगर देना चाहते हैं या वीडियो के एंड पे जो वीडियो देना चाहते हैं तो वो चूज़ करेंगे। यहाँ पे सिंपल क्या होगा कि इस तरह आपके व्यूज़ बढ़ेंगे। आप चाहते हैं कि आपकी दूसरी वीडियोज़ पर भी ट्रैफिक आए तो सिंपल आप इनको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है वीडियो एलिमेंट्स का। यहाँ पे आप अपने सबटाइटल्स में आप चाहते हैं कि इंग्लिश में सबटाइटल्स चलें तो यहाँ पे आप अपने सबटाइटल्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड एंड स्क्रीन, आप चाहते हैं कि वीडियो जैसे ही ख़त्म हो तो उसके बाद आपकी वीडियो एक और शो हो तो वहाँ पे भी लोग आपके व्यूज़ इस तरह बढ़ सकते हैं। और ऐड कार्ड्स के आई कार्ड में आपकी एक वीडियो का जो टाइटल है वो भी दे दिया जाए जिससे आपकी वीडियो के और भी व्यूज़ जो हैं वो बढ़े। आगे चेक्स का ऑप्शन आ जाता है, ये YouTube की तरफ से होता है कि आपकी वीडियो पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कोई और इशू तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपकी वीडियो बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पे कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे विजिबिलिटी का ऑप्शन आ गया, लास्ट ऑप्शन हमारा है विजिबिलिटी का। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, प्राइवेट का, अनलिस्टेड का और पब्लिक का। यहाँ पे और स्केजुलाइज का, यहाँ पे आप अपनी वीडियो को अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप अनलिस्टेड करेंगे तो आप किसी को अगर लिंक सेंड करेंगे तो तब आपकी वीडियो को देखा जाएगा, अदरवाइज नहीं देखा जाएगा। और प्राइवेट करेंगे तो जस्ट प्राइवेट रहेगी, और पब्लिक पे करेंगे तो एवरीबडी कैन सी योर वीडियोस। तो यहाँ पे स्केजुल पे आ जाएंगे तो आप अपनी वीडियो को स्केजुलाइज कर सकते हैं कि शाम 8 बजे आपकी जो वीडियो है, रात के 8 बजे 9 बजे आपकी वीडियो जो है वो देखी जाए। तो आप सिंपल इसे पब्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन में प्रेस कर दे ताकि इन फ्यूचर हर एक अपडेट विदाउट एनी प्रॉब्लम आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, फी इमानल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।